हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलें गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं और बेसिक से एडवांस तक लेवल तक क्या क्या वीडियो अपलोड करने के अंदर मराहिल हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। और तो YouTube हमारा ओपन हो गया है। दो तरीके हैं वीडियो अपलोड करने के। नंबर एक है कि YouTube के ऊपर जो हमारे पास ऐप है उसके ऊपर से हम कर सकते हैं अपलोड, और नंबर दो YouTube स्टूडियो से कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आप थ्री डॉट पर क्लिक करें कोने में, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट चेक कर लें कौन सा अकाउंट आपका ओपन है जिसके ऊपर आपने वीडियो अपलोड करनी है। कौन सा, ये देखें, मैं दो चैनल यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो आपका जो चैनल है उसको ओपन कर लें और ये सेंटर पे प्लस का आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे अपलोड पे ऊपर ये देखें अपलोड आ वीडियोस आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी सारी वीडियोस आ गई हैं। इनमें से जो वीडियो हमने अपलोड करनी है उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। टाइटल के अंदर हम अपना वीडियो का नेम लिख देंगे, जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टॉप 6 बेस्ट वेबसाइट्स, तो मैं ये लिख रहा हूँ। ये वीडियो का नेम आ गया और उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने तो कॉपी करके रखा हुआ है। मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट है नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमारी जो भी प्लेलिस्ट लिस्ट है वो सारी आ जाएगी। उसमें से जो प्लेलिस्ट हम चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और नीचे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें, वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये सी अपलोड्स पेज क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें डिलीट हो गई है। उसके बाद मैं चाहता हूँ क्रोम के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, और ओके करता हूँ। ये देखें YouTube ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं वो पिक्चर नज़र आ रही है कोने में, वहाँ पे क्लिक करूँगा और जो मेरा अकाउंट है वो मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे। ये देखें, और अगेन अपनी पिक्चर के ऊपर और डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा YouTube स्टूडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। YouTube स्टूडियो ओपन हो रहा है तो हम इसके ऊपर से भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी ओपन होता है, ये देखें YouTube स्टूडियो ओपन हो गया है। और मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, और ये देखें ऊपर कोने में हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है हमारी पिक्चर के साथ। ये देखें पिक्चर के साथ क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अगेन क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे तो ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड वीडियोस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको जूम आउट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेलेक्ट फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी जो वीडियो है वो सेलेक्ट करेंगे। मैं वीडियो के अंदर जाता हूँ और अपनी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, और ये देखिए हमारी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट YT स्टूडियो के अंदर सेटिंग में लिखी हुई है। ये हर वीडियो के अंदर यही सेम आएगी डिस्क्रिप्शन। तो नेम मैं हटा के चेंज कर देता हूँ,
और याद रहे कि YouTube के ऊपर से हम अपनी जो वीडियो है उसका कीवर्ड नहीं डाल सकते, जबकि YT स्टूडियो के अंदर हम थंबनेल भी डाल सकते हैं और कीवर्ड भी डाल सकते हैं या टैग्स भी डाल सकते हैं। कीवर्ड टैग्स क्या होते हैं कि जब हम YouTube के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि न्यू सॉन्ग्स, तो न्यूज़ जो सॉन्ग्स हैं उसके मतलब टैग्स जो हैं वो हम टैग्स के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में मैं लिख लेता हूँ टॉप 6 बेस्ट वेबसाइट्स, और उसके बाद इसको नीचे चलते हैं, नीचे ये देखें सी मोर का ऑप्शन है हमारे पास लास्ट में, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर हमने क्रिएट करनी है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि वेबसाइट, ये देखिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेबसाइट और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर ली है प्लेलिस्ट में, उसके बाद हम जाएंगे टैग्स में, टैग्स ऐड करने के लिए हम कीवर्ड ISO लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम अपना जो भी टैग ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ टॉप 6 वेबसाइट यूज सिंपल एंड इम्पोर्टेंट और सर्च करते हैं, तो ये देखें सर्चिंग हो रही है, ये 89, 92, 96, 98, 102, ये हमें नीचे टैग मिल गए हैं वीडियो के लिए। तो यहाँ से ये देखिए अकाउंट आपसे मांग सकता है, आपने एंड में आके नथिंग कर देना है। और यहाँ पे मैं टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ, ये कुछ ज़्यादा हो गए हैं, मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं उसके बाद खोल देता हूँ अपना मैसेज। मैसेज के अंदर किसी भी मैसेज को ओपन करके उसके अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे मैं कोमा लगाऊँगा, और अगर थोड़ी बहुत सेटिंग करनी हुई, जैसे कि ये एंड्रॉयड ऐप लिखा हुआ है, ये ऐप नहीं है ये वेबसाइट ही है, तो मैं वो हटा के वहाँ पे कोमा लगाऊंगा और उसको नीचे डाउन कर दूंगा, इंटर करूंगा तो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे, इसी तरह मैं सभी को हर लाइन के एंड पे कोमा और उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर दूंगा स्पेस देके। तो ये मैं बना रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। अगर हम ऐसे ही इसको, जैसे कि मैंने वहाँ से कॉपी किया है, ऐसे ही पेस्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टैग्स वाला आइकॉन। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हम वो भी करके देखते हैं, अगर डायरेक्ट हम पेस्ट करें तो क्या इशू आता है। तो टेक्स्ट एक ही होगा, फिर वो बड़ा सा टेक्स्ट हो जाएगा, फिर वो यानी कि इसको वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा और इंटर, अभी मैं इसको कॉपी नहीं करता, और हम चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, ये देखें यहाँ पे अगर पीछे आ जाए तो हम उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं हम ओपन। तो ये देखें दोबारा मैं खोल रहा हूँ YT स्टूडियो, और यहाँ पे नीचे वीडियो वाला ऑप्शन है सेकंड नंबर पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो वीडियो अपलोड हो रही है अभी वो फर्स्ट नंबर पे होगी। ये देखें फर्स्ट नंबर पे है YouTube टॉप वेबसाइट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम ये देखें अपलोड ये अभी हो रही है। तो मैं नीचे आता हूँ, सी मोर पे को ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं हम, ये रहा सी मोर और ये नीचे खुल जाएगा, और यहाँ पे मैं ऑप्शन मिल जाएगा टैग्स,
ये देखें, ये रहा टैग्स। ये टैग्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे उसको जो मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया है आईएसओ से, कीवर्ड आईएसओ, ये देखें रेड कलर का क्रॉस आ गया। ये देखें ऊपर जो हमारा है वहाँ पे भी रेड हो गया है, यानी कि ये टेक्स्ट बड़ा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब जितना टेक्स्ट वो था वही टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख के, जस्ट हमने कोमे वगैरह डाले हैं, और इसी सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखें मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट तो वही है, लेकिन क्या हमने लाइनें वगैरह बना के लिखा हुआ है अभी तरतीब के साथ। हर जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने कोमा दिया है। ये तकरीबन 250 वर्ड हमने ऐड कर दिए हैं, 500 वर्ड हम ऐड कर सकते हैं टैग्स के अंदर, तो अगर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें ये 233 ऐड कर दिए यहाँ पे। अगर आप और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या फिर वहाँ से ऐप से कीवर्ड आईओ क्रोम के ऊपर लिखेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। जस्ट कीवर्ड आईओ लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड आईओ खुल जाएगा। उसका जो मेन मेन्यू हो मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह का है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टैग, एक और ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए टैग ऐड हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे और ये टेक्स्ट की तरह नज़र आता है, तो आप टेंशन नहीं लेनी, 2 मिनट वेट करना है, ऑटोमेटिक ही लिंक बन जाएगा वो नीचे टैग्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास आ गया थंबनेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे, वीडियो या अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपना थंबनेल ऐड कर सकते हैं। थंबनेल क्या होता है, जब हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो ओपन करते हैं तो हमारे पास वीडियो के ऊपर जो उन्होंने लगाई होती है पिक्चर वगैरह फर्स्ट, जिससे हमारी पिक्चर या वीडियो क्रिएटिव लगे या अच्छी ज़्यादा लगे या ज़्यादा बेहतर लगे, तो इस तरह का कोई थंबनेल मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखें थंबनेल ऐड हो गया है, मैं राइट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, और यहाँ पे ये इसका लिंक आ गया है इस वीडियो का, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डिटेल, उसके बाद है वीडियो एलिमेंट। वीडियो एलिमेंट के अंदर हमें कुछ खास नहीं मिलता, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चेक्स के ऊपर। ये हमारी वीडियो ऑटो चेक होगी जब अपलोड हो जाएगी, उसके बाद एक से लेके 100 तक वीडियो हमारी चेक होगी, और लास्ट में है विजिबिलिटी, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि हमारी वीडियो पब्लिक के अंदर जाए। और यहाँ पे ये देखें वीडियो अपलोड हो रही है, और यहाँ पे राइट में कोने में हमारा पब्लिक का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। ये देखें वीडियो हमारी पब्लिश हो गई है, और ये वीडियो अपलोड हो रही है, अभी कुछ रहता है टाइम, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी। ये देखें 57% अपलोड हो गई है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ये कैंसल अपलोडिंग वाला ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारी वीडियो ये अभी